प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयादशमी के मौके पर 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। विजयादशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को बल संपन्न और संगठित होने की जरूरत है और यही सभी समस्याओं का हल भी है। नई दिल्ली में कल CWC की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग में शामिल होने के लिए आज नई दिल्ली के लिए जयपुर से रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों की सरकारों को निर्वाचन आयोग ने अहम निर्देश दिए हैं। चुनाव के मद्देनजर आयोग ने कहा है कि अपने गृह जिलों में तैनात अधिकारियों और पिछले 4 साल के दौरान 3 साल तक एक ही जिले में तैनात अधिकारियों का तबादला किया जाए। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज जयंती है। दुनिया उन्हें नाम से कम और उनके काम से ज्यादा जानती है। डॉक्टर कलाम की 90वीं जयंती पर PM मोदी ने याद करते हुए उनकी और अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट किया। उन्होंने भारत को मजबूत, समृद्ध और सक्षम बनाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। देश भर में आज दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि विजयादशमी के अवसर पर शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर बुराई का अंत किया था। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रह रहे दिव्यांगजनों के लिए दशहरे से पहले बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरियों में पहले से ही आरक्षण दिया जा रहा है। अब इन्हें पदोन्नति में भी 4% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट और न्यूनतम अर्हता अंकों में भी 5% की रियायत मिलेगी। वल्लभ नगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर प्रचार गति पकड़ने के साथ नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि धरियावद सीट हम अच्छे अंतर से जीतेंगे। धरियावद लंबे समय से पार्टी की मजबूत सीट है। वल्लभ नगर में हमारा कैंडिडेट चेंज हुआ तो थोड़ा बदलाव आया है, कोशिश तो हो रही है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पेट्रोल 37 पैसे प्रति लीटर और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 33 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 103 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पहुँच गई है। IPL 2021 अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। आज होने वाले 14वें सीजन के फाइनल मुकाबले में 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगी। इस मैच में दोनों टीमें खिताब के लिए जोर आजमाइश करती दिखेंगी।